कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट को बरगाल डिक्लेयर किया जाए, ड्रॉट डिक्लेयर किया जाए और ड्रॉट रिलीफ पैकेज दिया जाए। किसानों के नाम से किसानों को लोन दिया गया, ये उनके पानी में अपडेट किया गया, लेकिन उनके अकाउंट को पैसा जमा नहीं हुआ। आज गुलबर्गा डीसी ऑफिस पर कर्नाटका किसान सभा, जो कर्नाटका प्रांत रहित संघ है, आज यहाँ पे हमने एक प्रोटेस्ट रखा। प्रोटेस्ट के चार मेजर इश्यूज़ हैं जो मैं एक शॉर्ट्स में बता दूं। पहला तो ये है कि भाई गुलबर्गा में जो बारिश होना था, जो सीजन मानसून क्रॉप्स के लिए जो बारिश, जो जून के फर्स्ट वीक से बारिश होती है, जिसके इस पे जो है मानसून क्रॉप्स किए जाते हैं, लेकिन इस साल जैसे सबको पता है कि जून का पूरा महीना चला गया, बारिश नहीं हुई। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में अगर बारिश का हिसाब देखें तो पिछले साल जो सितंबर अक्टूबर के बीच जो बारिश हुई थी, उसके बाद फिर आज जून तक कोई बारिश नहीं हुई, जून का पूरा महीना चला गया। आज हम जुलाई में हैं, आज तक भी कोई बारिश का भरोसा नहीं है या ठिकाना नहीं है। इसकी वजह से किसानों को जो मानसून क्रॉप का कल्टीवेशन करना था वो नहीं कर सके, तो ये किसानों के लिए एक मेजर लॉस है। पिछले साल जो रहा, बारिश ज़्यादा होने के वजह से नेट रोग, जो कि फंगल डिसीज से क्रॉप लॉस हुआ किसानों का, जिसके इशू के ऊपर सिद्धरामैया साहब, जो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे असेंबली में, एग्रीकल्चर मिनिस्टर को उन्होंने कहा था कि नेट रोग अंदरे एनो। आज वही हाल है कि पिछले साल जो नेट रोग से किसान का बदहाल होके कुछ किसान खुदकुशी करे थे, आज बारिश नहीं होने से और किसान बदहाल हैं। फिर ना ऐसा ना हो कि जैसे पिछले साल गुलबर्गा के कुछ किसान खुदकुशी किए थे, इस साल भी वैसी हालत ना हो। इसके लिए हम कर्नाटका किसान सभा की तरफ से कर्नाटका गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट को बरगाल डिक्लेयर किया जाए, ड्रॉट डिक्लेयर किया जाए और ड्रॉट रिलीफ पैकेज दिया जाए। और जो दूसरे इश्यूज़ हैं, डीसीसी बैंक का जो बड़ा मसला हुआ है, किसानों के नाम से किसानों को लोन दिया गया, ये उनके पानी में अपडेट किया गया, लेकिन उनके अकाउंट को पैसा जमा नहीं हुआ। ये जो किसानों के साथ फ्रॉड हुआ है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उसी तरीके से फसल बीमा का जो प्रॉब्लम है, क्रॉप इंश्योरेंस का जो प्रॉब्लम है, किसानों से क्रॉप इंश्योरेंस प्रीमियम तो लिया गया, लेकिन पिछले साल जो क्रॉप लॉस हुआ उसका इंश्योरेंस नहीं मिला। वही तरीके से किसान बदहाली के तरफ गए हैं। ये जो मसले मसाइल हैं किसानों के, इसके ऊपर ये असेंबली सेशन में चर्चा के साथ इनका सलूशन, इनका किसानों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरफ किसी गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ जो किसानों का काफ़ी अरसे से डिमांड चला है, किसानों का कर्जा माफ़ी का, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, पिछले दो गवर्नमेंट गुजर चुके हैं, जो कुमार स्वामी साहब की गवर्नमेंट भी गुजर चुकी, बम्बई साहब की भी गुजर चुकी, येडियुरप्पा साहब की भी गवर्नमेंट गुजर चुकी, लेकिन किसी ने किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया। हम उम्मीद करते हैं कर्नाटका प्रांत रहित संघ के, कांग्रेस गवर्नमेंट जो अभी बनी है कर्नाटका में, ये इशू को सीरियसली लेते हुए कर्नाटका के किसानों का कर्जा माफ़ी करेगी और गुलबर्गा के किसानों के साथ जो मसले फ्रॉड्स हुए हैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा और ड्रॉट रिलीफ पैकेज इमीडिएट डिक्लेयर किया जाएगा। थैंक यू। ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬರಲಾರದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ರೈತರ ರೊಕ್ಕದ ಮಾಲು, ಮುಂದಿನ ಲಾಗೋಡಿಗಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೊಕ್ಕದ ಮಾಲು, ಉದ್ದು, ಹೆಸರು, ಎಳ್ಳು, ಸೋಯಾ, ಈ ಬೆಳೆಯಂತೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ರೈತರು ಸಾಲ ಸುಲ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿ ಬೀಜ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿರೋ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಎದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಟಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿರೋ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗ್ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋ, ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಒತ್ತಾಯದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ದನ ಕರುಗಳಿಗೆ ಕಣಕಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹತ್ತಿ ಬೀಜ ಓಪನ್ ಆಗಿ ರಾಜಾರೋಷಾಗಿ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಹತ್ತಿ ಬೀಜ ಇವತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ಹತ್ತಿ ಬೀಜ ಕಳಪೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹತ್ತಿಗೆ ಬೆಳೆಗಾರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಕರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಾಂಡವಾಡ್ತದೆ. ಆ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಇವತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಂಪ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹಣ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದಗಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಅಧಿವೇಶನದ ಸೆಷನ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ
ಮಾಡಿ ಅನ್ನದಾತರ ಸಮಸ್ಯೆನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಅನ್ನದಾತರ ಪರವಾಗಿ ನೆರವಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ। आज कर्नाटक प्रांत ರೈತ ಸಂಘ की तरफ से एक याददाश्त पेश करने के लिए डीसी ऑफिस आके यहाँ पर मेमोरेंडम दिया गया, जहाँ हमने डिमांड किया है कि ये मौजूदा गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट की तरह काम ना करें और किसानों के हित में काम करें, क्योंकि हमें देखने आ रहा है कि पिछली गवर्नमेंट ने क्या क्या किसानों के साथ वादे करके उन्हें नाराज़गी की। ये महसूस हमें हो रहा है, आज महंगाई आसमान पे है, क्योंकि देखिए हम बताना ये चाह रहे हैं यहाँ पर कि गवर्नमेंट ने जो वादे करके किसानों के अकाउंट में पैसा डालने का जो इन्होंने वादा किया था वो पिछली गवर्नमेंट ने नहीं किया, और ये गवर्नमेंट से हमको उम्मीद इस बात की है क्योंकि सेशन चालू हो रहा है और हम ये डिमांड कर रहे हैं गुलबर्गा से कि पहले सेशन के अंदर पहले टेबल पे ये बिल रखा जाए कि किसानों के हित के अंदर फैसले लिए जाए, क्योंकि गुलबर्गा में बारिश ना होने के कारण या गुलबर्गे को एक बरगाल डिक्लेयर करे और किसानों की बात सुनी जाए और किसानों के अकाउंट्स में पैसा डाला जाए, क्योंकि डीसीसी बैंक का मुद्दा हमारे सामने है और दीगर जो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो चुके हैं, और जो किसानों के पास जो गाय भैंस और जो बैल होते हैं वो पानी नहीं होने के कारण वो मर जाते हैं, तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर संज्ञान लेना है। तीसरी बात ये भी है कि आने वाले दिनों में कभी पानी नहीं भी आया तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे इमीडिएटली डिसीजंस लिए जाए कि किसानों को तकलीफ ना हो, क्योंकि हमने पिछले सरकारों में देखा है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी जान इतनी आसानी से चली जा रही है क्योंकि उनके कर्जे बहुत हैं, उनके ऊपर लोन्स हैं, और ये क्रॉप टाइम पे ना होने के कारण फसल ना होने के कारण वो इंटरेस्ट नहीं भर सकते और ना उसका प्रिंसिपल अमाउंट भर सकते हैं, तो इसीलिए किसान के हत्याएं बहुत हो चुके हैं, तो गवर्नमेंट को संज्ञान लेना है और पहले सेशन में ये बिल टेबल पे रख के हम ये गुलबर्गा से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंका खड़गे साहब को और यहाँ के MLA से हम ये डिमांड कर रहे हैं कि आप बढ़ चढ़ के आवाज़ उठाइए, क्योंकि पानी ना होने के कारण बारिश ना होने के कारण यहाँ पर पैदावार ज़्यादा नहीं हो रही और किसानें नुकसान में जा रहे हैं, क्योंकि दीगर सालों से हम देख रहे हैं कि ये हालातें गुजरने से किसानों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ये आम जनता के ऊपर भी पड़ रहा है। ओके, शुक्रिया।